तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक, जो कि 3 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय के हिरासत में, उनको भेज दिया गया है। बुधवार को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से जमीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक ने कहा कि वो झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। केंद्र की राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए आज महाविकास आघाड़ी मुंबई में मंत्रालय के सामने गांधी स्मारक के पास इस गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। उधर बीजेपी नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही है, जिसे महाविकास आघाड़ी ने खारिज कर दिया है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरद पवार को फोन किया और अपना समर्थन जाहिर किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि नवाब मलिक को सरकार से न हटाया जाए। महाविकास आघाड़ी के नेता नवाब मलिक के समर्थन में उतरे हैं। एक बात ऐसी है कि कुछ भी होता है, और अगर आप मुस्लिम कार्यकर्ता हो तो दाऊद का नाम लिया जाएगा। लोगों को बदनाम करना, परेशान करना, सताना, सत्ता का दुरुपयोग करना, और इसका मुख्य रूप से जो केंद्र के खिलाफ साफ तौर पर अपनी भूमिका रखते हैं, तब विशेषकर इस यंत्रणा एजेंसी के खिलाफ जो बोलता है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश है कि लोग घर में जाकर लेकर गए हैं। ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। दुख की बात ऐसी है कि ना नोटिस आई ना कुछ आया। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी ने ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है? मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रही है। ये महाराष्ट्र का अपमान। इस्तीफा उनका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये सिर्फ उनके ऊपर वो अटैक करते थे, विरोधी पक्ष के ऊपर, इसलिए जो है उनको सजा दी जा रही है।